हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक मुंबई का। मैं हूं सोनू और आज इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप एक एप्लीकेशन की मदद से मल्टीपल लैंग्वेज में किसी से चैट कर सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं या किसी को मैसेज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आप इसे कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ पर उस एप्लीकेशन का नाम टाइप करना होगा। उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल इंडिक के बोर्ड। आजकल के फ़ोन्स में यह ऐप प्री इंस्टॉल होके आता है, पर अगर आपके फ़ोन में यह ऐप नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाके आपको लैंग्वेज और इनपुट में जाना होगा और करंट कीबोर्ड, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, वहाँ पे आपको गूगल कीबोर्ड के बदले गूगल इंडिक कीबोर्ड सेलेक्ट करना होगा, जो कि इंग्लिश और इंडिक लैंग्वेज में दिया गया है। तो अब आप जब टाइप करोगे तो आपको वो ऑप्शंस सारे दिखाई देंगे। जैसे कि मैं इस नोट्स में टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये पूरा इंटरफेस है वो कीबोर्ड का, सिंपल है बहुत। और ये जहाँ पे ABC लिखा है यहाँ पे आपको पूरा इंग्लिश में दिखाई देगा। अगर आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो इंग्लिश में आएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। और जो लेफ़्ट साइड में आ बना है वहाँ पे टच करेंगे, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे तीन तरह के बॉक्स दिए गए हैं, लिखें, लिखें और लिखें। मेरा मतलब है, पहले में अगर आप इंग्लिश में टाइप करोगे तो वो हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर आ जाएगा। जैसे कि मैं टाइप करता हूँ, जय हिंद वंदे मातरम। जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप किया और पूरा का पूरा हिंदी में टाइप होकर आ गया। इसी तरह आप कोई भी लैंग्वेज, अपनी मनपसंद की लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया है असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, पूरे 11 लैंग्वेज दिए गए हैं। आप अपने मनपसंद लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपको दिया गया है प्योर हिंदी, मतलब आप यहाँ पे हिंदी में टाइप करोगे और वहाँ पे हिंदी में ही आएगा। और थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो है ड्रॉ का, मतलब आप यहाँ पे लिखोगे तो वो वहाँ पे बंद कर आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप स्पेस सभी का स्वागत है। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपने मनपसंद लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अपने पुराने इंग्लिश कीबोर्ड में वापस आना है तो आप इसे टैप करके रखिए और फिर से इंग्लिश कीबोर्ड पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका पुराना जो इंग्लिश कीबोर्ड है वो वापस आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो ज़रूर से नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप इसी तरह के वीडियो रोज़ाना देखना चाहते हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए रोज़ाना लाते रहूँगा।